वायरस के चलते शक्तिपीठों को बंद करने के निर्देश के बाद बृजेश्वरी मंदिर कांगड़ा के कपाट आज सुबह बंद कर दिए गए। वहीं मंदिर बंद होने से उत्तर प्रदेश से आए श्रद्धालु ने खूब हंगामा किया, जिन्हें समझाने के लिए पुलिस व प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह बृजेश्वरी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट गई। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने मुख्य गेट को बंद कर दिया, जिस पर बाहर लाइनों में लगे श्रद्धालु ने मां के दर्शनों के लिए खूब हंगामा किया और पुलिस के साथ खूब बहसबाजी की। आपको बता दें कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब किसी महामारी के चलते शक्तिपीठों के कपाट बंद किए गए हैं। अब बाहर से किसी भी श्रद्धालु को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं ज्वालामुखी मंदिर व चामुंडा मंदिर में भी सुबह 11 बजे कपाट बंद कर दिए गए थे। कांगड़ा जिला के शक्तिपीठ ज्वाली जी, बृजेश्वरी, चामुंडा देवी और बगलामुखी के कपाट सरकार के आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। कांगड़ा से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। SDM एवं मंदिर सहायक युक्त हरीश गज्जू एवं मंदिर अधिकारी सुमन दीवान जी कुछ कोरोना वायरस के बारे में बताएंगे और मंदिर बंद किया है, अभी ताले लगाए हैं तो अभी बताएंगे वो। सरकार के निर्देशानुसार पूरे जिले के मंदिरों को आज से बंद कर दिया गया है। ये इसलिए ताकि कोरोना के फैलने को रोका जा सके, प्रिवेंशन रखेंगे तो तभी हमें उसका असर देखने को मिलेगा और बीमारी का जो फैलाव है वो रुक सकेगा। तो मेरी सभी श्रद्धालुओं से और सभी लोगों से विनती है कि वे इस चीज़ का सम्मान करें और मंदिरों में ना आएँ अभी, और घर में पूजा पाठ करें। DC साहब की तरफ से एक ऐसा इंतज़ाम करने की कोशिश की जा रही है, शाम तक सभी इसको लाइव दर्शन इसके पूजा के और मंदिर के लोगों को इंटरनेट के थ्रू में प्राप्त हो जाएंगे। तो सभी से फिर से यही अपील है कि वे मंदिर में जब तक ये बीमारी का फैलाव का डर बना रहता है ना आए। धन्यवाद। धन्यवाद। जय माता बगलामुखी। बगलामुखी से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं को, बाहरी राज्य के श्रद्धालु, हिमाचल के श्रद्धालु जो बगलामुखी मंदिर से जुड़े हैं, हिमाचल सरकार के आदेशानुसार जिला कांगड़ा में धारा 144 लागू है और सभी मंदिर जो हैं उनको पूजा हवन और दर्शनों के लिए बंद कर दिया गया है। तो बगलामुखी प्रशासन ने भी सरकार के आदेशानुसार माँ बगलामुखी मंदिर में पूजा हवन दर्शन और यात्रियों के आने पर रोक लगा दी है कोरोना वायरस के मद्देनज़र। तो सभी यात्रियों से, श्रद्धालुओं से निवेदन है कि सरकार के अगले आदेश तक या दर्शन करने के लिए या हवन के लिए मंदिर ना आए, और जब तक सरकार का अगला आदेश आता है, जैसे ही उनका कोई आदेश अगला आता है हम आपको सूचित करेंगे। धन्यवाद। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। जय माता। अभी हमारे साथ है मंदिर के पुजारी, वरिष्ठ पुजारी ओम व्यास जी एवं ओम प्रकाश जी। अभी इनसे कुछ पूछते हैं माता के मंदिर के अंदर के बारे में, कैसे पूजा अर्चना करेंगे कोरोना वायरस की वजह से। अभी बंद चला हुआ मंदिर तो ये बताएंगे। अभी कोरोना वायरस की वजह से आज जो है प्रशासन को मंदिर जो हम बंद करने जा रहे हैं, 11:30 बजे जो है मंदिर बंद हो गए हैं। अब मंदिर कैसा है, पूजा पाठ जो है वो विधि भक्ति से चलता रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। पुजारी लोग जो मंदिर में जाएंगे, अपना जो भी नित्य पूजा पद्धति है वो उसके अनुसार वो पूजा पाठ जो है वो करेंगे। बाकी जो जनता है वो अंदर नहीं आएगी। हमारा जो अपना स्टाफ होगा, कर्मचारी, वो ही हमारा सहयोग देंगे। तो आरती, स्नान, संध्या वंदन इत्यादि जो भी पूजा पाठ है वो यथाक्रम करता रहेगा, उस श्रद्धालुओं को उसके दर्शन होंगे। जय माता जी। पंडित जी, आप मंदिर के वरिष्ठ पुजारी हैं, क्या इतिहास में कभी आज दिन तक माता बृजेश्वरी के कपाट इस तरह से दिन को बंद हुए? ये सब माँ की इच्छा है, लेकिन मैंने इस उम्र तक अभी तक ऐसी व्यवस्था होते नहीं देखी है। प्रशासन अपने ढंग से निपट रहा है, हम किसान के सहयोग करने के लिए तैयार हैं, और परंतु ऐसी घटना जो है पहली बार हो रही है मेरी इस पूरी जीवन में। मैं समझता हूँ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें यात्री बहुत दूर से आते हैं या और दर्शनों को माई के यहाँ आकर के श्रद्धा से अपने उन्हें संस्कार भी करते हैं, बच्चों के उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन भगवती की इच्छा है। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसा कोरोना वायरस आया है कि हमारी धार्मिक स्थलों को भी बंद किया जा रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन ये व्यवस्था सरकार की ओर से है, प्रशासन की ओर से है और सभी लोगों की भलाई के लिए है, तो हमें इसके साथ सहयोग करना पड़ेगा। जिला बुलंदशहर से आए हैं और हमारे मेरा पूरा परिवार आया है यहाँ पे।
जात के प्रति, लेकिन यहाँ पे पहले से अगर सूचना होती तो हम अपने यहाँ पे कार्ड वार्ड सारे बटे हुए हैं जात लगाने के लिए आए हैं, और कम से कम 2.5-3 लाख रुपये हमारा खर्चा है, लेकिन उन्हें तुरंत ही अभी आ करके यहाँ पे मतलब एक स्टिकर चिपका दिया कि यहाँ पे हम दर्शन नहीं होंगे जब तक कि आदेशानुसार ये गेट नहीं खुलेंगे। ठीक है, हिमाचल बाकी मंदिर, हाँ बाकी मंदिर खुलने हैं जी हिमाचल के। देखिएगा हम दर्शन करके आ रहे हैं, हम अभी सब जगह अभी यहाँ पे आए दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे दरबार बंद कर दिए हैं, बोले के दरबार अब हिमाचल के सारे मंदिर खुल रहे, नैना देवी के हम दर्शन करके आ चुके, चिन्हपूर्ण में आके हम दर्शन कर लिए, ज्वाला देवी का हमने कर लिए, आज ही मंदिर जो बंद कर दिए गए हैं वो गलत है। आज ये गलत है, एकदम अर्जेंट में नोटिस दिया, वो कभी होना नहीं चाहिए, 2 दिन पहले नोटिस लगना चाहिए, अगर आज नोटिस लगा रहे तो कल से बंद होनी चाहिए, आज शाम तक तो दर्शन होने चाहिए ज्वाला देवी का, सभी याद खुला हुआ है, भारी बीमारी से देश जूझ रहा है, उसके बाद सरकार ने ये निर्णय लिया है। सर एक बात, सरकार ने निर्णय एकदम लिया है ना, एक झटके में नहीं लिया, बहुत पहले से कह रही है सब लोग बचाव करें अपना, सब लोग हर कोई जो है अपना उपाय करे, हर कोई बचाव करे, लेकिन ये नहीं कहा कि आप एकदम दर्शन करते हुए एकदम रोक लगा दोगे, आप 2 दिन का पहले नोटिस दीजिए। एक बताइए, हम मथुरा से आए हैं, इनको टिकट काउंटर क्यों नहीं बंद कर देने चाहिए, वो 15 दिन से जब ये मालूम पड़ रही है कोरोना वायरस फैल रहा है, तो इनको क्यों नहीं टिकट काउंटर बंद कर, क्यों रिजर्वेशन करवा रहे हैं लोग, क्यों जनता का पैसा ले रहे हैं, क्यों इनको बंद कर देने चाहिए 15 दिन पहले, सारे काउंटर बंद कर देने चाहिए, क्यों फिर मतलब जनता का पैसा खींच रहे हैं ये लोग एकदम। जिला बुलंदशहर से आए हैं और हमारे मेरा पूरा परिवार आया यहाँ पे जात के प्रति, लेकिन यहाँ पे पहले से अगर सूचना होती तो हम अपने यहाँ पे कार्ड वार्ड सारे बटे हुए हैं जात लगाने के लिए आए हैं, और कम से कम 2.5-3 लाख रुपए हमारा खर्चा है, लेकिन उन्हें तुरंत ही अभी आ करके यहाँ पे मतलब एक स्टिकर चिपका दिया कि यहाँ पे हम दर्शन नहीं होंगे जब तक कि आदेशानुसार ये गेट नहीं खुलेंगे। ठीक है, हिमाचल के बाकी मंदिर, हाँ बाकी मंदिर खुलने हैं जी हिमाचल के। देखिएगा हम दर्शन करके आ रहे हैं, हम अभी सब जगह अभी यहाँ पे आए दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे दरबार बंद कर दिए हैं, बोले के दरबार अब हिमाचल के सारे मंदिर खुल रहे जी, नैना देवी के हम दर्शन करके आ चुके, चिन्हपूर्ण में आके हम दर्शन कर लिए, ज्वाला देवी का हमने कर लिए, आज ही मंदिर जो बंद कर दिए गए हैं वो गलत है, आज ये गलत है, एकदम अर्जेंट में नोटिस दिया, वो कभी होना नहीं चाहिए, 2 दिन पहले नोटिस लगना चाहिए, अगर आज नोटिस लगा रहे तो कल से बंद होनी चाहिए, आज शाम तक तो दर्शन होने चाहिए, ज्वाला देवी का सभी याद खुला हुआ है, भारी बीमारी से देश जूझ रहा है, उसके बाद सरकार ने ये निर्णय लिया है। सर एक बात, सरकार ने निर्णय एकदम लिया है ना, एक झटके में नहीं लिया, बहुत पहले से कह रही है सब लोग बचाव करें अपना, सब लोग हर कोई जो है अपना उपाय करे, हर कोई बचाव करे, लेकिन ये नहीं कहा कि आप एकदम दर्शन करते हुए एकदम रोक लगा दोगे, आप 2 दिन का पहले नोटिस दीजिए। एक बताइए, हम मथुरा से आए हैं, इनको टिकट काउंटर क्यों नहीं बंद कर देने चाहिए, वो 15 दिन से जब ये मालूम पड़ रही है कोरोना वायरस फैल रहा है, तो इनको क्यों नहीं टिकट काउंटर बंद कर, क्यों रिजर्वेशन करवा रहे हैं लोग, क्यों जनता का पैसा ले रहे हैं, क्यों इनको बंद कर देने चाहिए 15 दिन पहले, सारे काउंटर बंद कर देने चाहिए, क्यों फिर मतलब जनता का पैसा खींच रहे हैं ये लोग एकदम। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.